पाकिस्तान का मसला कश्मीर का मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय मजालिम के खिलाफ केस की तैयारी के लिए वकील की मंजूरी दे दी। इंसानी हकूक कमीशन का इजलास 9 सितंबर को जनेवा में होगा। तमाम कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखकर फैसला किया। हमारा मौकफ वाज़े, असूली और ठोस है। शाह महमूद कुरैशी की तस्दीक। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने का उसूली फैसला कर लिया। आइंदा माह जनीवा में इंसानी हकूक कमीशन इजलास बुलाने के लिए वजारत खारजा ने तैयारी शुरू कर दी और इस सिलसिले में साबिक सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ की खिदमात हासिल कर ली गई हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तमाम कानूनी पहलुओं का जायजा लेने के बाद फैसला किया गया है। हमारा मौकफ वाज़े, ठोस और असूली है। हमें वहाँ जाना है। हम अपने लीगल ऑप्शंस पर गौर कर रहे थे तो वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में एक इजलास हुआ था जिसमें लॉ मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे, मैं भी था और हमने एक पाए कि इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट से भी रजू किया था, उनको भी दावत दी थी, इससे मशावरत की थी और हम समझते हैं कि ये हमारे पास एक ठोस केस है जेनोसाइड के हवाले से कि जो ये मकबूजा कश्मीर में हो रहा है उसको हम उनकी नज़र करें।